हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं कि आप लोग खैरियत से हैं और हम भी खैरियत से हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि सिबल भी सुबह सुबह उठ रही है और हम लोग गए थे सिबल के स्कूल। आज सिबल का रिजल्ट था तो सिबल के ऑनलाइन एग्ज़ाम्स हुए थे तो सिबल एग्ज़ाम में पास आई है, इसलिए अब सिबल जाएगी KG 2 में। तो मुझे बहुत खुशी हुई है, अब सिबल की नई क्लास होगी, नई बुक्स होंगी। तो सिबल आप गाइड से बताएं, आप पास हो गए हैं, मुझसे बोलते हैं। तो मैंने आपको यही खुशखबरी देनी थी कि सिबल मेरी पास हो चुकी है, बाकी बच्चों के भी एग्जाम्स होंगे और उनका रिजल्ट बाद में आएगा। तो मैं अभी नाश्ता बनाने लगी थी तो मैंने सोचा आपके साथ सुबह की रूटीन शेयर कर लूँ। तो चलो अभी नाश्ता बनाते हैं और जी मैंने सोचा मैं नाश्ता बना रही हूँ बच्चों के लिए। इनके बाबा को मैंने नाश्ता बना के दे दिया था और वो ड्यूटी पे चले गए हैं, तो मैं अभी जो बच्चे सोकर उठ रहे हैं उनके लिए नाश्ता बना रही हूँ। आप इसी तरीके से मेरे साथ बने रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। ये देखिए स्क्वायर पराठा बन रहा है। जी जिसको नाश्ता करना है वो आ जाए। आलू फलियाँ मैंने बनाई थी और साथ है मज़ेदार से पराठे। अगर आपको अपना पराठे को कड़क और खस्ता रखना है तो हमेशा स्टील के चम्मच से इसके ऊपर घुमाएं। आपका पराठा बहुत ही मज़ेदार और लच्छेदार और कड़क बनेगा, क्योंकि जो आपने बीच में तह लगाई होती है इस तरीके से वो बिल्कुल अलग अलग हो जाती हैं। ये देखिए गाइस, मज़ेदार सा गोल्डन गोल्डन पराठा। जिस जिसको नाश्ता करना है वो अपने घर पे बिल्कुल इसी तरीके से पराठा बना के नाश्ता कर सकते हैं। और बच्चों के एग्ज़ाम्स होने वाले हैं, आप ऑनलाइन स्टडी करवाएं, इनकी तैयारी करवाएं एग्ज़ाम्स में, क्योंकि पहले हमारे मुल्क में कोरोना की वजह से बच्चों की स्टडीज़ में बहुत ही खर्च होता है। तो आप माँ बाप, हम माँ बाप की ज़िम्मेदारी है कि अपने बच्चों का ख्याल रखें, पढ़ने में उनका साथ दें, उनकी मदद करें, उनको ट्यूशन्स भिजवाएं और ऑनलाइन क्लासेस बाकायदगी से करें आप लोग। ये देखिए गाइस कितना मज़ेदार सा पराठा बिल्कुल तैयार है। तो चलिए अभी हम इसको निकालते हैं। जी फ्रेंड्स आप देख सकते हैं नाश्ता मेरा तैयार है बिल्कुल, ये देखें। और अभी बच्चे नाश्ता करेंगे तो आप भी मुझे इजाज़त दें ताकि मैं भी नाश्ता करूं। मुझे अपनी दुआ में याद रखिए, जिसने अभी तक लाल बटन को प्रेस नहीं किया सब्सक्राइब के चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन के बटन को भी प्रेस करें और ताकि मेरी हर आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आ सके और आप मेरी वीडियोस को लाइक करें। इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी, बाय।